तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को कहानी हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में रिडक्शन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो आज हम फुल एचडी में रिडक्शन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल ये भी हमारे एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल बना, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला हो गया CH3CH2OH। और यहाँ पर रिडक्शन करवाने जा रहे हैं, तो रिडक्शन कराने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि दूसरे को रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना। तो बोलो एक ऐसा सबस्टांस जो दूसरे को रिड्यूस करता हो और खुद को ऑक्सीडाइज करता हो, उसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आज हम लोग दोस्त रेड फॉस्फोरस लेंगे। क्या लेंगे? रेड फॉस्फोरस। यहाँ पर ले लिए हम रेड फॉस्फोरस और साथ में ले रहे हैं हम हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या ले रहे दोस्त? हाइड्रोजन आयोडाइड। देखो ना, रेड फॉस्फोरस हाई बोलता है, और हाई कब बोलता है? दारू पीने के बाद। और कितना बोतल दारू पी के बोलता है? 2 बोतल। यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिए। और रिडक्शन का मतलब बोल रहे हैं कि हाँ, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। सबसे पहले हम 1 डिग्री एल्कोहल को घेर लिए, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, तो एल्कोहल से हम यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दी। तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये बन गया मेरा वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखो आयोडीन कितना बच गया? 2 गो। तो आयोडीन का वैसे भी स्टेबल फॉर्म होता है I2, जो कि मेरा I2। अब देखो CH3 था, यहाँ पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड मिला, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड। और CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या बन गया? CH3। यहाँ पर लिख दिए CH3। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? इथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया? ए। इसका नाम क्या हो गया? इथेन। और रिएजेंट था हाइड्रोजन आयोडाइड, लिख दिए हाइड्रोजन आयोडाइड। एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, जब कभी भी तुमको रिएजेंट के रूप में रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड दिखे तो 100% क्या बनाता है? अल्केन। क्या बनाता है? अल्केन। अगर 10 कार्बन का एल्कोहल रहेगा तो 10 कार्बन का एल्केन बनाएगा। हर कुछ ने कहा यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना, ठीक है, और ऑक्सीजन हट जाएगा, जो बच जाए तो उसको जोड़ के लिख देना, तो वही तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो 1 डिग्री एल्कोहल के रूप में क्या लिए? इथाइल एल्कोहल। तो लैंग्वेज जो जब इथाइल एल्कोहल का रिडक्शन कराते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड को लेने पर तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और आयोडीन बनता है। तो होने वाला रिएक्शन रिडक्शन ऑफ एल्कोहल कहलाता है। तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल के एग्जाम्पल लेनी है, हम किसी एग्जाम्पल लेंगे 2 डिग्री एल्कोहल का। तो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। सबसे पहले आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर बना ले, योग्य CH3, CH के आगे CH3 और CH पर झूला हुआ एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो CH पर झुला दिए हम एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को, और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या लेंगे? वहाँ पे OH के जगह पे हम लोग हैलोजन एटम को लगा सकते हैं। ना एल्कोहल है तो एल्कोहल, हाँ हैलोजन, तुम हैलोजन लगाओगे तो गलती हो जाएगा। वो जगह आइसोप्रोपाइल हैलाइड, और आइसोप्रोपाइल हैलाइड के रिडक्शन थोड़ी होता है, रिडक्शन सिंपल किसका होता है? एल्कोहल का। देखो ना, तुम आइसोप्रोपाइल हैलाइड बनाओगे तो वहां पर ऑक्सीजन थोड़ी जुड़ेगा। अब देखो रिएजेंट के रूप में क्या लेंगे हम लोग? रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ रेड फॉस्फोरस
और यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड का कितना मोल लेते हैं? दो मोल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेड फॉस्फोरस दारू पीता है, और दारू पीने के बाद दो बार अपने जान